आप लोगों क्या बनना है बड़े होके? पुलिस 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 बनना है पुलिस में जाना है। हाँ अरे देखिए आप देख सकते हैं आपको क्या बनना? डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बनना है। थोड़ा बच्चा बनना पड़ रहा है और नहीं ये कुछ है बस उतना बदमाशी तो है नहीं लेकिन हाँ वही है थोड़ा हल्ला कर रहे हैं लेकिन। नमस्कार आप देख रहे थे इंडिया टॉप और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। अभी पीछे आप एक दृश्य देख रहे होंगे आपको दिख रहा हो कुछ बच्चे बैठे। वैसे आपको बता दिए कि ये सचिवालय थाना है और आपको कुछ बच्चे यहाँ दिख रहे होंगे। आपको बता दिए बच्चे यहाँ पे जो आसपास के जो बच्चे हैं बस्ती के बच्चे हैं वो यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि सचिवालय थाना द्वारा एक पहल किया गया है जिसके तहत इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहा जाता है। इसके तहत ये लोग जितने भी आसपास के बस्ती के बच्चे हैं उसको यहाँ बुलाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। इन्हें लालच दिया गया है कि अगर ये पढ़ेंगे अच्छे से सही समय से आके पढ़ाई करेंगे तो इनकी अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दी जाएगी। इन्हें और भी कपड़े वगैरह जो हैं जो ज़रूरत के सामान हैं इन्हें दिया जाएगा। क्योंकि देखते आप देख सकते हैं बच्चे जो है यहाँ आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ऐसा को बता दें कोरोना काल में पिछले 2 साल से कोरोना जब से संक्रमण कोरोना आया है तब से तमाम जो स्कूल है विद्यालय हैं बंद है और इसका जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में एक जो यहाँ की जो सचिवालय थाना की जो पुलिसिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है यहाँ पे पुलिस द्वारा यहाँ पे किया गया है। आइए हम बात करते हैं मैडम। एक मिनट मैम बात करें आपसे। मैम अभी देखिए हमें देखने को मिला कि आप बच्चे को पढ़ा रही हैं डिसिप्लिन के साथ बच्चों को सिखा रही हैं पढ़ा रही हैं। क्या कुछ मानसिकता के साथ ये पहल किया जा रहा है? इन लोगों को बस शिक्षा देने के लिए माने गरीब हैं तो इन लोगों को पढ़ाई उड़ाई कराने के लिए उतना तो हो नहीं पा रहा है तो हम लोग जितना हो रहा है उतना सिखा रहे हैं इन लोगों को। जी बस तो यही रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे बच्चे सब है सीख भी गए हैं एबीसीडी। आप किसी से पूछ भी लीजिए बीच में बाबू कोई एक कौन एबीसीडी सुनाएगा? कौन आजा 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 चलो सुना। A B C D E F H I J K L N O P Q R S W Y Z। Very good। कथा का कौन सुनाएगा बाबू? वन टू आता है। हाँ कथा का आजा बाबू इधर। क ख ग घ अंग च छ झ झ ञ ट ठ ड ध न ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व त ल स म ध नि स ड ठ स ह अ क्ष त्र ज्ञ। वेरी गुड। और कौन कौन सुनाएगा? नहीं अब वो बच्चा वन टू सुनाएगा। ये वाला ये ले छोटा वाला कौन? हां ये बाबू वन टू सुना दो। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं बच्चे के खिलखिलाते हुए चेहरे आप देखिए यहाँ और साथ में हंसते खेलते ये जो शिक्षा जो है जो मूल शिक्षा होता है वन टू थ्री फोर क ख ग घ ए बी सी डी टेबल जो होता है वो सब ये लोग सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं वो अलग अलग बच्चों में एक्सपेरिमेंट कर रही है अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाने पढ़ाने की जो कोशिश है वो यहाँ देखने को साफ मिल रहा है। नाम क्या है? बीड। क्या क्या सीखे हो यहाँ पे? वन टू और ए बी सी डी और काखा गगा। मन लगता है यहाँ पे आते हो तो? मन लगता है हमें बहुत मन लगता है बहुत मन लगता है। कहाँ रहते? कहाँ? एयरपोर्ट पटना घूमती। कब से आ रहे हो यहाँ? परसों से आ रहे हो? यस मैम। और कैसा लगता है यहाँ आके? मतलब कितनी देर रहते हो यहाँ? दोस्त बन गए आपस में सब? हम लोग दोस्त बन गए मैडम भी करे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मतलब पहले से जानते थे दूसरे को या फिर यहाँ आके दोस्ती हुई? यहाँ आके दोस्ती हुई है। यस मैम। अच्छा बाबू इधर सुनो क्या कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे? क्या कुछ सीखे हो अभी तक? ए बी सी डी सब सीख गए हैं। और क्या क्या सीखे हो? क क ग घ वन टू
और रोज आना है यहाँ? हाँ। मन से पढ़ाई करना है ना? हाँ। पुलिस बनना है। अच्छा बड़े होके क्या बनना है? पुलिस बनना है। अच्छा पुलिस बनना है बड़े होके? अच्छा आप लोगों को क्या बनना है बड़े होके? पुलिस 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 फौज में जाना है? हाँ। अरे देखिए आप देख सकते हैं आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बनना है। आप देखिए बच्चों में कितनी ज्यादा उत्सुकता है, सब एक्साइटेड है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस वर्ग के बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं वो यहाँ आते हैं, इस तरह से पढ़ते हुए दिखते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है बच्चों में देखने को मिल रहा है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। अगर ये लोग पढ़ने में अगर अपना इच्छा माने दिखा रहे हैं, अगर सीख रहे हैं अच्छे से, तो इन लोग स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा ताकि ये लोग पढ़ लें, फ्यूचर में अपना ये लोग अपने पैर पर खड़े हो जाए। यही मैंने है, हम लोग सोचे हैं कि बस ये लोग पढ़ने मरने में पढ़ ले और फिर स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाएगा। अच्छा मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि दिक्कतें आती हैं इनको संभालने में, मतलब इतने सारे बच्चे, तब से मैं यहाँ हूँ दिख रहा चहल पहल बच्चे एकदम से किए हुए, थोड़ा बच्चा बनना पड़ रहा है और नहीं ये कुछ है जी। बस उतना बदमाशी तो है नहीं लेकिन हाँ वही है, थोड़ा हल्ला कर रहे हैं लेकिन उसी तरह से बच्चा बनकर ही पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब आपका भी मन लगता है? हाँ, मन तो लग रहा है। कम्या मिश्रा जो मैडम है उन्हीं के मैंने उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। तो मतलब बहुत मतलब अभी लगता है रिसेंट का शुरुआत किया गया है? परसों ही हम लोग शुरुआत किए हैं, मतलब मैडम परसों से ही की है। अच्छा परसों? हाँ परसों से ही शुरुआत हुआ है, कल और आज क्लास लिया गया है। जी जी जी। तो मतलब ये सब बच्चे जो है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? अपने से आ जाते हैं या लाना पड़ता है जाके आप लोग को? मतलब इन लोगों को तो पहला दिन बुलाया गया था जी और फिर से इन लोगों को टाइम बता दिया गया है कि अपना 4 बजे आ जाने के लिए, लेकिन बच्चा लोग है 3 बजे आ जाते हैं तो 3 बजे से हम लोग पढ़ाने लगते हैं जी। और ये नहीं कुछ चॉकलेट टॉफी कुछ देना पड़ता है या फिर? कुछ लाने के लिए देना ही पड़ता है, कुछ लाने के लिए देना ही पड़ता है। अभी इन लोगों को सिखाने के लिए बोला जाता है कि जो पढ़ के सुनाएंगे उसको हम लोग टॉफी देंगे चॉकलेट देंगे जी जी, ताकि इन लोग के अंदर भी थोड़ा सा उत्सुक आए कि हाँ हमको पढ़ना है सीखना है। और कैसा टेंडेंसी, कैसा 2 दिन में सबने सीख लिया, किसी को कुछ आता नहीं था इससे पहले? नहीं कुछ एक दो बच्चे थे लेकिन और सबको तो देख ही रही हैं आप जी। बस सिखाया जाना जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि सभी सीख जाए, जो जिसको नहीं आ रहा है उसको भी हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काम्या मिश्रा मैम जब से आई एक अलग तरीके से पुलिसिंग की है और ये सलाम के बच्चों को इनके गार्जियन को पहले बुला करके लाया गया और उनमें एटीट्यूड जगाने का कोशिश है अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन से क्या फ़ायदा है, और इसमें काफ़ी टाइम देती हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ डेवलपिंग लोग का डेवलपमेंट कैसे हो अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रही हैं जब से एएसपी मैम हम लोग की आई हैं जी। मतलब ये काफ़ी आइडिया के साथ ये चीज़ को लाया गया है ना, काफ़ी प्लानिंग के साथ चीज़ों को किया गया है। बिल्कुल, पहले मेहनत करना पड़ा मैम, अपने से सलम के बच्चे को उठा के लाई, उनको फिर गार्जियन को प्रोत्साहित किए कि ये पढ़ाई अच्छी चीज़ है, मतलब पढ़ने से डेवलपमेंट होगा, तो मैम बहुत प्रयास कर रही हैं इसके लिए। मैम कहीं ये से है बात की यहाँ पे जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की, बातचीत के दौरान बात जो सामने आई वो यही है कि जो एएसपी हैं काम्या मिश्रा, उनकी ये पहल थी, वो काफ़ी समय पहले से इन चीज़ों में लगी हुई थी, पहले जाकर इनके पेरेंट्स से, इनके माँ बाप से बातचीत किया गया, इन्हें इकट्ठा किया गया ताकि ये भी आगे चल के कुछ बन सके, कुछ सीख सके। वैसे तो आप देख सकते हैं बच्चे में काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ों में बहुत इन्हें और गुण चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है अभी।